आदतन तुमने किए वादे, आदतन हमने भी एतबार किया। चुनाव है, वादों का दौर है, मंझुआ सीट पहुंच चुकी हूं मैं। जनता किस पर कर रही है एतबार, आइए चलते हैं जानते हैं। देश और दुनिया भर में कालीन के लिए मशहूर मिर्जापुर में इन दोनों दावों और वादों की भरमार है, क्योंकि मंझुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव। मंझुआ सीट पर बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर ज्योति बिंद और बीएसपी ने दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया। मंझुआ सीट पर 8 बार कांग्रेस का दबदबा रहा, 5 बार बसपा का और 2 बार बीजेपी का। समाजवादी पार्टी यहां से खाता भी नहीं खोल पाई। दो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य ने बीएसपी के डॉक्टर रमेश चंद बिंद को मात देकर मंझुआ सीट पर अपना परचम फहराया। इसके बाद 2022 में ये सीट एनडीए गठबंधन में निषाद पार्टी के खाते में चली गई। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य पर भरोसा जताया। उन्हें भरोसा है कि हर जाति के मतदाता उनके पक्ष में मतदान करके उन्हें एक बार फिर आशीर्वाद देंगे। तो बीजेपी के उम्मीदवार हमारे साथ हैं, क्या लगता है जीत की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल देख रही हैं? जीत की कोई भी परीक्षा होती है उसकी जो आती है जो कठिनाई है उसको भी हम पार पा लेंगे, क्योंकि हमारे संग जनमत है। अच्छा, 2 महिलाएं रणभूमि में हैं, क्या लगता है आपको कौन क्यों और महिला किस पर भारी पड़ती दिख रही है? यहाँ पे महिला की बात नहीं है, यहाँ पर मान सम्मान और विकास की बात है। तो जिस प्रकार से देश और प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मझुआ की जनता मुझे लगता है कि वो विकास को ही चुनेगी। मुझे एक पेड़ के नीचे कई लोग चुनावी चर्चा करते दिखे, तो मैंने भी पूछा कि अब की बार किसकी जय जयकार। क्या माहौल लग रहा है मंझुआ में? माहौल तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल अधिक से अधिक लग रहा है, क्योंकि माँ भारती के 2 लाल हैं जो बैठे मोदी और योगी जी, उनके ऊपर पूरा चुनाव का भार जैसे आ गया हो, और जनता उनकी कायल है, उनकी कायलता पर से चाहे जिसको जिता दे, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी का माहौल यहाँ बहुत देख रहे हैं। मझुआ में कमल खिलने वाला है, कमल ही खिलेगा, 50,000 वोटों से हम जीतने वाले हैं। और साइकिल का क्या लगता है? पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई। मैंने किसानों के मन की बात भी जानने की कोशिश की कि आखिर उनके क्या क्या मुद्दे हैं। तो देखिए, किसान यहाँ क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। धान की खेती यहाँ पर होती है, क्या लग रहा है ये किसानों की क्या दिक्कतें हैं आपकी? डीएपी नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है किसानों को अच्छी तरह से। और ये दिक्कत कौन पार्टी दूर कर सकती है? बीजेपी दूर कर सकती है। बीजेपी बढ़िया काम करेगी? हाँ, बीजेपी बढ़िया काम करेगी। ये चुनाव भी चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आप लोगों के मुद्दों को सुलझा पाएगी? यही भाजपा सब सुलझा पाएगी। भाजपा सुलझा पाएगी जी। कौन सी पार्टी बढ़िया कर रही है? वैसे तो यही कमल के फूल पर पार्टी पर है। कमल के फूल की पार्टी यही बढ़िया कर रही है, समस्याएं आप लोगों की हल करेगी। अब मंझुआ सीट का जातीय समीकरण समझ लीजिए। यहाँ दलित, ब्राह्मण और बिंद वोटरों की संख्या करीब 60,000 है। इनके अलावा कुशवाहा वोटर करीब 30,000, बाल वोटर करीब 25,000, राजपूत मतदाता करीब 20,000, मुस्लिम मतदाता 20,000 से ज्यादा और पटेल वोटर करीब 15,000। 2022 में इस सीट से दरअसल निषाद पार्टी की तरफ से विनोद कुमार बिंद जीते, उसके बाद उन्हें भदोही से टिकट मिली लोकसभा की, सांसद बने, ये सीट खाली हुई और फिर हो रहा है उपचुनाव। माना जाता है कि मंझुआ सीट पर पिछड़ा वर्ग ही हार जीत तय करता है। कौन बढ़िया, साइकिल की फूल की हाथी? दिक्कत तो बहुत बा, सड़क नहीं बा हमरे दुआरे वहाँ दरे, दिक्कत तो बहुत बा, लेकिन सुनत कहाँ बा है। मझुआ सीट पर बीएसपी का परचम बुलंद रहा है, इसलिए मायावती ने यहाँ सोशल इंजीनियरिंग करते हुए ब्राह्मण कैंडिडेट दीपक तिवारी को उतारा है, जो कह रहे हैं कि नंबर 1 तो वही है, दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई। बसपा की तरफ से उम्मीदवार दीपक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी मझुआ से जीतेगी।
मंजुआ से जीत रही है बहुजन समाजवादी पार्टी, सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड तो बसपा को ही जाता है यहाँ से। इस बार भी वो रिकॉर्ड, मतलब जो ये कह रहे थे कि बसपा बची नहीं है, उनको क्या कहेंगे? अगर जो कह रहे थे बसपा बची नहीं है तो उनको ये एहसास हो रहा होगा कि बसपा कहाँ है। अच्छा, ये जो ब्राह्मण कार्ड चला है ये कितना बढ़िया दाव लगता है बीएसपी की तरफ से? बहन जी ने तो सौजन नेता है, सौजन सुखाय का नारा ही दिया है। बहन जी तो सर्व समाज की नेता है, ब्राह्मण समाज भी, ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा अगर सम्मान देने का कोई काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। यहाँ हमने मंजुआ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने शायराना अंदाज में नेताओं से कहा हमें जातियों में ना बांटा जाए। मैं बड़े प्यार से उनसे कहना चाहता हूँ जो बैठ के विभाजन कर रहे हैं देश में और देश के बाहर में, पराई पीर का अमृत उन्हें पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा आंचल उन्हें सीना नहीं आया, भले ही वो फरिश्तों की तरह बातें करें अभी उन्हें इंसान बनकर जीना नहीं आया। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ इस इतने बड़े चैनल के मार्फत कि हमारे यहाँ जातिवाद की कैंसर न बोए, हमारी जो भाईचारा थी चराहगाह न बनाए, उसको समृद्ध रखें। इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का वर्चस्व है, इसलिए समाजवादी पार्टी की युवा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी अपना खाता खोलने जा रही है। समाजवादी या कहिए गठबंधन की तरफ से ज्योति बिंद इस वक्त हमारे साथ हैं, उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है जीत को लेकर, कितनी आश्वस्त हैं? समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है मजमा के लोगों पर कि वो अपनी बेटी को मौका देंगे, उनकी आवाज बनने का मौका देंगे और समाजवादी पार्टी को विजयी कराएंगे। अच्छा, अपने अपने पिता के हार का बदला लेंगी? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं देखती हूँ, मैं यह चुनाव मेरे लिए एक जिम्मेदारी है, एक मौका है विकास करने के लिए और मजमा के लोग है ना अपनी बेटी को विजयी बनाएंगे, है ना, मैं इस चुनाव को एक पॉजिटिव वेव से देखती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे नारे भी चल रहे हैं, बटेंगे कटेंगे, पीडीए का नारा है, सबका साथ सबका विकास है, आपको क्या लगता है कौन सा नारा जिसमें दम दिखता है? पीडीए यस, पीडीए का फॉर्मूला जो सेट है वो चलेगा, वही चलेगा और वही राज करेगा, समाजवादी पार्टी की विजयी होगी और हम सबका विकास होगा। मंजुआ विधानसभा सीट के ज्यादातर इलाके में ग्रामीण आबादी है और यहाँ हजारों परिवार कालीन और साड़ी के कारोबार से जुड़े हैं। हम ऐसे ही एक प्रिंटिंग कारखाने में पहुँचे जहाँ साड़ियाँ तैयार हो रही थी। यहाँ काम कर रहे कारीगरों ने सरकार से लोन और सब्सिडी जैसी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। बनारसी साड़ी तो आपने सुनी होगी, ये रोजगार मंझवा में एक तरीके से बहुत तेजी के साथ एक वक्त पर चलता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़े ये रोजगार कम होता चला गया। अब तकनीकी का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किस तरह की इन लोगों की दिक्कतें हैं वो जरा समझते हैं आप, क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, साड़ी बनाते हैं, एक इस मजदूर के तौर पर क्या क्या दिक्कतें आपको, क्या क्या चुनौतियां आप महसूस करते हैं? जैसे आए दिन इसका रेट कभी बहुत ऊंचा हो जा रहा है इसकी धागा का जैसे, और कभी जो है इसका रेट बहुत नीचे हो जा रहा है। तो मशीन हो गई, इसके लिए चाहिए होगी बिजली भी? जी, बिजली चाहिए होती है। तो बिजली पूरी आ रही है? अभी पिछले 7-8 सालों से, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से हमको लग रहा है थोड़ा सा हमारे काम में सहूलियत हुआ है, क्योंकि बिजली की आपूर्ति यहाँ पे ठीक ठाक होने लगी है। तो कैसे चलता है ये मशीन? ये टोटल मशीन जो है, टोटल ये मैनुअली मैनुपलेट है, ये आप देख रहे हो, जो देख रहे हैं आप ऊपर दिखाई देंगे, ये पूरा डिजाइन है, ये जो डिजाइन आप इस पे देख पा रही हैं, ये पूरा जो बना हुआ है, ये टोटल डिजाइन इसमें मैनुपलेट किया गया है। कौन सी सरकार काम कर सकती है आप लोगों? योगी सरकार काम कर रहे हैं। योगी कर रहे हैं काम? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला बिजली को लेकर। जी, मुद्दे तो फिलहाल अभी बीजेपी गवर्नमेंट का अच्छा चल रहा है, उसके बाद कोई है नहीं, जो भी कर रहे अच्छा कर रहा। दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखने वाली बनारसी साड़ियाँ मिर्जापुर में बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं। मैंने साड़ी की प्रिंटिंग से जुड़े लोगों से उनके मुद्दे समझने की कोशिश की।
तो ये सारी साड़ियाँ जो हैं इतनी सुंदर सुंदर, ये सब यहीं बनी? हाँ, यहीं पे बनी है। ये मशीन से? हाँ, मशीन से। कुछ इसमें हैंड बाई है। हाथ वाली कौन सी है? वो वाली लास्ट वाली। ये वाली हाथ से बनी हुई है? अच्छा, तो हाथ में तो ये बता रहे हैं कि रेशम की कढ़ाई वाली हो जाती है, रेशम में बना? तो धागे अलग अलग होते हैं ना? धागे अलग अलग होते हैं। तो ये हाथ से देखिए कढ़ाई है, बाकी जो है। अच्छा, मशीन और हाथ में अंतर कैसे समझ में आएगा? उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। अलग हो दाम? दाम भी अलग हो जाएंगे उसके। तो वो कितने कितने का अंतर हो जाएगा? जमीन आसमान के। जमीन आसमान का, क्योंकि मेहनत भी जमीन आसमान के अंतर। इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? बनाने में आपको लगेगा मैक्सिमम, मान लीजिए 7-8 घंटे। 7-8 घंटे लगातार काम करना? लगातार। और उसको कम से कम 2 दिन। उसको 2 दिन जैसे डिजाइन के ऊपर हुआ। इसको बनाने के लिए मजदूर कितने लगते हैं? एक मजदूर। और इसको बनाने में मजदूर? एक मजदूर। ये मशीन काम करेगी, वो हाथ से काम करेंगे। मिर्जापुर में कालीन और साड़ी से जुड़े कारोबारी बोले, सरकार से सुविधाएं मिले तो यहाँ का व्यापार और बढ़ेगा, जिससे बुनकरों के परिवारों को भी रोजगार मिलेगा। तो आपके बारे में कोई नेता सोचता है? नहीं, हमारी बारे में तो सब प्रधानमंत्री जी से, और ये जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी आई थी भदोही में, उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब एक्सपेक्टेशन तो यही, अभी भी वादे हैं जी, वादे हैं। रामराज बोलते हैं कि आएगा, लेकिन रामराज आएगा तो एक गरीबों को मारने के लिए। गरीब 12 घंटा खटता है, 250-300 रुपया मजदूरी करता है, और अगर एक दिन रुक गया तो उसका खड़ा चला गया, सुबह पर मिलेगा नहीं। तो जो सरकार आएगी, जीत कर चले जाएगी, कोई ध्यान गरीबों पर दिया नहीं दिया। जहां चुनावी मौसम में नेता जनता के सामने लुभावने वादे कर रहे हैं, वहीं हमें मंझवा में एक ऐसा चाट वाला मिला जिसका नाम पढ़कर हर कोई ठिटकता जरूर है। बेवकूफ चाट वाला। हालांकि जनता ये बोलती है कि नेता बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इनकी दुकान ही बेवकूफ चाट वाला है। तेरा पूछे ऐसा क्यों है? अरे, ये बेवकूफ चाट वाला का क्या मतलब है? वो बचपन से दुकान कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं? 1970 से। तो अरे, बेवकूफ क्यों? ऐसा हुआ कि हम लोग 4-5 लड़के थे हमारी उम्र का, तो हंसी हंसी में नाम धरा गया। हंसी हंसी में नाम धर दिया किसी अधिकार? भी बोले कि अगर बुरा न मानो तो यही नाम रखो। खा लिए आप? मजा आया? हाँ, मजा। चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में ये बीजेपी के लिए। बीजेपी? मुस्कुराहट बता रही है, स्वाद आ रहा है। चुनाव में कहाँ स्वाद दिख रहा है? चलो, जहाँ समझ में आएगा देगा। देख लेंगे, पहले खा ले। और क्या? खा लो, पहले खा लो। आप बताइए, क्या लगता है चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी मझा ब्लॉक से। पक्का? पक्का है। आखिर में हम एक ग्रामीण इलाके में पहुंचे तो यहाँ ढोलक मंजीरे के साथ एक संगीत मंडली लोगों का मनोरंजन कर रही थी। हमने यहाँ लोगों से उपचुनाव पर पूछा कि उनके मन में कौन है। देखिए, सुर है, संगीत है, और चुनावी मौसम भी है। लोग क्या कह रहे हैं, बहुत सारी मंडली यहाँ पर जमी हुई है, वो भी जानने की जरा कोशिश करते हैं कि मंझवा में आखिरकार चुनावी माहौल क्या चल रहा है। क्या चल रहा है सर यहाँ पर? बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज, विकास की धारा चल रही है, और हम सभी विकास की तरफ हैं, और विकास ही विकास की चर्चा है। जो विकास करेगा वही राज करेगा। विकास की बात करेगा वही राज करेगा। विकास अभी तक नहीं हुआ इस। विकास हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। इस माहौल में चाह रहे हैं जो हमारा भाजपा से जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट जीते, और जीतने के बाद हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में हर संस्थाओं में चौमुखी विकास करें। कौन विकास कर सकता है? भाजपा के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता और कोई? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सारे लोगों की सत्ता हम लोगों ने देखी है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया, गठबंधन का माहौल बढ़िया चल रहा है। गठबंधन तो दोनों तरफ है, एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी का, और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन आगे चल रहा है। आगे चल रहा है। विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो यहाँ पंडित लोकपति त्रिपाठी जी के अलावा किसी ने नहीं किया है। सपा यहाँ से आज तक अभी तक जीती ही नहीं है। विकास कर रहा है भाजपा? विकास कर रहा है। इस इलाके का हुआ है विकास? बिल्कुल। क्या लगता है सर,
गंगा इस पार जो है विकास अधूरा। कौन करेगा आपके सारे सपनों को पूरा? अब इसको पूरा करने के लिए अभी तो कोई आया नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि आप जब इन जगहों पर जाइए तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मुद्दा विकास का और सुरक्षा का भी हावी होता है। तो मंझवा सीट के हाल को हमने आगे जाना, लेकिन आगे और कौन सी सीट में किस तरह के हाल है, लोग क्या चाह रहे हैं वो हम जानेंगे। कैमरामैन पवन के साथ अर्पिता आर्या, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।